नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं यान टीवी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। यह वही जगह है जहां 2 अप्रैल को SC एक्ट में बदलाव होने के बाद दलित समुदायों ने एक मोर्चा निकाला था। 3 अप्रैल को इस पर फैसला आने वाला था और यह फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला आया है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा और इसे अभी फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया गया है। आइए हम जानते हैं लोगों से इस पर, इस एक्ट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए सर, जो कानूनी बदलाव हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो दलितों के जो एट्रोसिटीज़ हैं वो तो अभी भी हो रही हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन ये भी एस्पेक्ट देखना चाहिए कि एट्रोसिटीज़ हैं वो तो अभी भी फिलहाल हो रही हैं। ये बदलाव तो उनको करना ही नहीं चाहिए ना। इसका मतलब ये जो संविधान बाबा अम्बेडकर ने जो बनाया था उसको कहीं ना कहीं भेदा जा रहा है कि मतलब उन्होंने जो लिखा था वो गलत है। पहले वो इतना सब कुछ लेने के बाद अब हमें बोलते हैं कि हम बराबर से आ जाओ। बराबर से तो जब ही आएंगे, जब हम बराबर होंगे तुम भी बराबर आ जाओ, हम भी बराबर आते हैं, फिर देख लेते हैं कि इसमें कितना दम है या कौन कितना एजुकेटेड है, कि हमसे तेज है साफ सफाई में, किसी भी चीज़ में, मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST एक्ट जो है इसमें जो बदलाव किया है, इस पर आपकी क्या राय है सर? भाई जो बदलाव हुआ एकदम सही हुआ है, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है। SC ST जनरल OBC ये तो बस बना दी गई है, ये ह्यूमन की मेंटालिटी है, ठीक है। क्योंकि तो सब मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक तरीके देखा जाए तो जनरल OBC वाले को थोड़ी सी कम रिजर्वेशन मिलती है। जैसे कहीं भी जाते हैं तो हम रिजर्वेशन लेवल देखते हैं तो SC ST का हाई होता है, तो भाई एकदम सही किया गया जो भी किया गया। SC ST एक्ट अब 7 बार अमेंड हो चुका है, तो इसका कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। अब जब जो SC ST है वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं अब ये चीज़ बंद हो जानी चाहिए, धीरे धीरे करके होनी चाहिए। एकदम से लोगों को शौक ना दिया जाए, बट धीरे धीरे करके बंद कर दिया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST एक्ट जो है उसमें जो बदलाव किया है, इस पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से कहने के सरकार की ये फेल्योर है। अगर एसटी एक्ट में अगर जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से जो सरकार का पक्ष मांगा था और वो पक्ष रखने में या अपना प्रतिनिधि भेजने में केंद्र सरकार ने लगभग 12-13 दिनों की देर की, उन 12-13 दिनों का देरी का खामियाजा था कि जो है दलित समुदाय के लोग जो है 2 तारीख को आंदोलन के लिए बाध्य हुए। जो काम उन्होंने 1 या 2 तारीख को किया ये कह के घोषणा करके कि जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से मजबूती से पक्ष रखेंगे और कहेंगे कि इसमें कोई जो है परिवर्तन न हो, ये काम जो अब किया है वो काम आंदोलन के पहले क्यों नहीं कर पाए? आंदोलन से पहले करते शायद ये नौबत न आती। रही बात जो बीच में आरोप लगे कि इसमें जो है कुछ असंवैधानिक तत्व या जो असामाजिक तत्व घुस गए, तो इसमें भी फेल्योर तो मैं कहूँगा सरकार का है, इंटेलिजेंस आपकी, खुफिया विभाग आपका, IB आपकी। अगर आपको ये जानकारी थी कि 2 तारीख को इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन होना है तो आपने पहले तैयारी क्यों नहीं की?